हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 9 अक्टूबर को क्लास 12 का कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट के आने के बाद अगर स्टूडेंट्स खुश नहीं हैं, उन्हें लगता है कि उनकी हार्डवर्क के हिसाब से, उन्होंने जैसा पेपर अटेम्प्ट किया था उसके हिसाब से उनको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो वो वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी या फिर री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, और वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा क्योंकि हर एक स्टेप आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिवेल्युएशन बिना वेरिफिकेशन के नहीं हो सकता। तो एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी और रिवेल्युएशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर सामने नोटिस नजर आ रहा होगा जो कि सीबीएसई की तरफ से ही है, और ये 9 तारीख को यानी कि जिस दिन कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया उसी दिन इसको अपलोड किया गया है। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली ये कि सारी की सारी प्रोसेस रीवैल्यूएशन की या फिर फोटोकॉपी की, ये सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। दूसरा, जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे उसकी फीस आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, और किसी भी तरह का ऑफलाइन मोड जैसे कि डीडी या फिर मनी ऑर्डर या फिर चेक या फिर कैश नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तीसरा, ये कहा गया है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन यानी कि इस प्रोसेस को कैसे करना है, वेरिफिकेशन के लिए, फोटोकॉपी के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, वो वीडियो मैंने बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में उन दोनों ही वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसमें यह कहा गया कि अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन देते हैं या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन देंगे तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर ये कहता है 4 कि एक कैंडिडेट एक बार ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, यानी कि अगर आपको दो सब्जेक्ट की फोटोकॉपी मंगवानी है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले एक की मंगवाएंगे और फिर दूसरे की। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही फोटोकॉपी मिल पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, तो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि आपको रिवैल्यूएशन या फिर फोटोकॉपी या फिर जो भी प्रोसेस करवाना है वो एक सब्जेक्ट में करवाना है, दो में करवाना है या तीन में करवाना है। पहले से ही आप अगर सोच के रखेंगे तो आपको एक ही बार मौका मिलेगा। इसीलिए आपको पहले ही स्टेप में ये फिल करना होगा कि आप चार सब्जेक्ट्स की बात करना चाहते हैं, चारों की फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं, एक की या दो की या तीन की, क्योंकि आपको उसके बाद एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। पांचवें में कहा गया है किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस, लॉस या डैमेज होता है स्टूडेंट को तो बोर्ड उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और अगर रिवैल्यूएशन के दौरान या फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के दौरान एक भी नंबर घटा तो उससे आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के समय मार्क्स कम होते हैं या नहीं होते, तो मार्क्स कम भी हो सकते हैं, और अगर एक भी नंबर घटेगा तो आपका सारा का सारा रिजल्ट चेंज हो सकता है। अब अगर आपका एक भी नंबर घटता है, बढ़ता है, तो आपकी पुरानी मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी और उसकी जगह पे आपको नई मार्कशीट दे दी जाएगी। आठवां पॉइंट कहता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस जो भी लगेंगे वो नॉन रिफंडेबल हैं, उनको वापस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहला स्टेप, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है, देखिए आपने जो एग्जाम दिया है उसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस के जो आपको आंसर्स लिखे आपने उसके जो मार्क्स दिए गए हैं
उनकी टोटलिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो वेरिफिकेशन में सिर्फ मार्क्स जो दिए गए हैं उनकी टोटलिंग वगैरह ही चेक की जाएगी, आपके क्वेश्चन को नहीं छेड़ा जाएगा बिल्कुल भी, कि आपका क्वेश्चन किस तरह से लिखा गया है उस पे बिल्कुल भी नजर नहीं डाली जाएगी। सिर्फ जो आपको मार्क्स दिए गए हैं उन्हीं की टोटलिंग वगैरह की जाएगी। हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन के मार्क्स ना दिए गए हों तो वो दे दिए जाएंगे, या फिर अगर हो सकता है कि टोटलिंग में आपका 2 नंबर बढ़ रहा हो तो बढ़ जाएंगे, या टोटलिंग में 2 नंबर घट रहा है, गलती से आपको 60 नंबर मिल गए हैं लेकिन जब टोटलिंग की गई दोबारा दोबारा वेरिफिकेशन की गई तो 58 ही बन रहे हैं, तो आपके नंबर 58 हो जाएंगे। ये हो गया वेरिफिकेशन वाला स्टेप। अब अगर आप एक सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आपके 500 रुपये लगेंगे, 2 का 1000, इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने सब्जेक्ट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। अगर आपके मार्क्स चेंज होंगे तो आपको एक लेटर भेजा जाएगा कि आपका इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स चेंज हुए, अदरवाइज लेटर नहीं भेजा जाएगा। सी, देखिए जो लोग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं को ही फोटोकॉपी दी जाएगी। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, जो लोग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं को ही फोटोकॉपी के लिए, यानी कि वही फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं, अदरवाइज वो फोटोकॉपी डायरेक्टली आप फोटोकॉपी वाले स्टेज पर नहीं पहुंच सकते। अब अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए आपके आंसर शीट की तो उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट के लिए 700 अलग से, पहले वेरिफिकेशन के 500 अलग से, उसके बाद फोटोकॉपी के लिए 700 अलग से देने पड़ेंगे। अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजा गया है या फिर एप्लीकेशन सबमिट किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट नहीं चाहता कि फोटोकॉपी चाहिए, किसी और ने उसकी तरफ से कर दिया है कि हाँ भाई इसकी फोटोकॉपी भेज दी जाए, मतलब जानबूझकर कोई कोशिश कर रहा है कि इस कैंडिडेट की फोटोकॉपी मुझे मिल जाए, अगर बोर्ड को पता लगता है कि बोर्ड ऐसा कोई कर रहा है तो बोर्ड वो फोटोकॉपी वाले पैसे भी रख लेगा और फोटोकॉपी भी नहीं भेजेगा। उसके बाद डी में कहा गया है कि जो लॉगिन बनेगा, यानी कि जब आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में वहां पर आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी, और फोटोकॉपी आपको कैसे मिलेगी इसका स्टेप भी मैं सारा का सारा आपको डिटेल में बता दूंगा। तो जो फोटोकॉपी मिलेगी वो स्कैन्ड होगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद लास्ट स्टेप है रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन क्या है, रीवैल्यूएशन में क्या करना है आपको, आपने फोटोकॉपी मंगवा ली, अब फोटोकॉपी को आप देखेंगे और देखने के बाद आप क्वेश्चन पेपर से मैच करेंगे कि हाँ भाई मैंने अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया था और मुझे मार्क्स कम दिए गए हैं, तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा ये क्वेश्चन सही है, मुझे कम नंबर दिए गए हैं, ताकि आपके नंबर बढ़ सकें। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका वो क्वेश्चन दोबारा से चेक किया जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, सिर्फ मार्क्स की टोटलिंग होगी। ये अंतर है वेरिफिकेशन में और री इवैल्यूएशन में। और जो फोटोकॉपी आपको भेजी जाएगी उसमें जो टीचर है जिसने पेपर चेक किया है उसके सिग्नेचर वगैरह सब बिल्कुल भी शो नहीं होंगे। तो रिवैल्यूएशन के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी कॉपी मंगवाइए, कॉपी मंगवाने के बाद उसमें देखिए किस क्वेश्चन में आपको कम मार्क्स दिए गए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में मेरे नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट का, इस क्वेश्चन में मेरे को मार्क्स सही नहीं मिले हैं, तो इस तरह से आपका वो क्वेश्चन दोबारा से चेक किया जाएगा और एक क्वेश्चन के 100 रुपये लगेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रीवैल्यूएट करवा सकते हैं, और अगर आपका एक भी नंबर घटता है तो वो कंसीडर किया जाएगा, और बढ़ता है तो खैर बढ़ेगा ही लेकिन घटेगा तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। और रिवैल्यूएशन के बाद जो भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो फाइनल होंगे, इसके बाद आप किसी भी प्रोसेस से उस मार्क्स को चेंज नहीं करवा सकते, यानी कि रिवैल्यूएशन के बाद कोई ऐसा स्टेप नहीं बचा जिसके तहत आप फिर से मार्क्स को चेंज करवा सकें। तो फोटो की जो आंसर बुक है जो आप मंगवा रहे हैं वो RTI एक्ट 2005 के अंदर आती है, जबकि वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन RTI एक्ट के अंदर नहीं आती।
अब बची डेट्स, तो डेट्स देखिए आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। डेट्स आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2020 संडे से लेके 12 अक्टूबर 2020 मंडे अप टू 5 PM। उसके बाद फोटोकॉपी की डेट भी आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर 2020 से 21 अक्टूबर 2020 और रिवैल्यूएशन के लिए 23 से 24 अक्टूबर के बीच में। और ये सारी की सारी प्रोसेसेस ऑनलाइन है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि आज संडे है, मंडे है, हॉलीडे है, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस है, तो जब मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन डेट्स के अंदर रहकर।